कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है तहे दिल से। चलो शुरू करती हूँ मैं मजेदार सी रेसिपी। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग तो जानते ही होंगे कौन सा त्योहार है। आप लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? चने। सभी के घर पे आज बढ़िया चने बनेंगे, है ना फ्रेंड्स? एक प्यारी सी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चने हैं। अब ये क्या करे हैं, बढ़िया इनको ओवरनाइट में भिगो के रख दिए थे, अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और साफ पानी में, कई पानी में धुल लेंगे। इससे पहले आप लोग को कुछ बता देती हूँ कि आप लोगों के साथ आज एक नहीं दो दो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, दो दो रेसिपी एक के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स भी लाई हूँ फ्रेंड्स, एकदम इसकी मत कीजिएगा। पहले देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। तो हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे। कुकर में ऐड किए हैं 2 कटोरी चने भीगे हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, बॉयल करेंगे इन्हें। एक बॉयल आ गया है, ये परफेक्ट अच्छे से पक गए हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में ऐड करेंगे तेल सरसों का। और फ्रेंड जरूरी बात, आज आप लोग यह रेसिपी सरसों के तेल से ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही है, आप सभी को पता है। क्योंकि हेल्दी क्यों ना हो, क्योंकि चने भाई हेल्दी होते हैं। आप लोग मॉर्निंग में रोज खाते हो फ्रेंड्स, तो पता ही है कितने हेल्दी होते हैं। अब कढ़ाई में ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन के पास बाद जो है प्याज, प्याज के बाद ग्रीन चिली, हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे लाल होने तक फ्रेंड्स पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मेरे पक गए हैं, लाल हो गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसी में ऐड किए हैं हल्दी और जीरा पाउडर, और जो है जीरा भुना हुआ है, और थोड़ा सा इसमें क्या मिक्स किए हैं फ्रेंड्स, धनिया, वो भी पीसी हुई और भुनी हुई। अब इसका एक प्यारा सा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। अब इसे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी प्यारी सी फैमिली हो तो अब मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, और लाइक वीडियो को कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स पक गए हैं अच्छे से, मसाला अच्छे से रेडी है। अब इसी में ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चने। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल किए हैं, आप लोगों को बढ़िया मसल के दिखा रही हूँ, अच्छे से परफेक्ट बढ़िया बॉयल हो गए हैं। 2 बॉयल आए थे, हम उतार के रख दिए थे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी में डाल देंगे और अच्छे से उलट पलट के मिक्स कर देंगे। सच में फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत मस्त लगती है, क्योंकि भाई नाग पंचमी के दिन बन रही है, तो आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी प्यारी सी फैमिली हो तो ना तो कर ही नहीं सकते हो। वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग, जो लोग मेरी वीडियो देखे, इग्नोर मत करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे बढ़िया मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए, यह तो हो गई भाई लहसुन और प्याज की। अब बिना लहसुन प्याज की भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स। बोली थी ना, एक रेसिपी के साथ दो दो। अगर कोई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो मत खाइएगा, दूसरी भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मस्त लेके आई हूँ फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छे से इसे भी हम मिक्स कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ी देर ढक के पकाएंगे 10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा तो हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि बॉयल किए हुए हैं चने, सभी को पता है फ्रेंड्स, क्योंकि परफेक्ट दिखाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे भी बहुत प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में ऐड करेंगे क्या, तेल सरसों का। ये भी सरसों के तेल से ही बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक प्यारा सा टेस्ट आएगा। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे,
देखिए फ्रेंड्स, गरम हो गया है तेल। अब इसी में क्या ऐड करेंगे, जीरा थोड़ा सा। जीरा से एक प्यारा सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड करिएगा, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ऐड करूँगी एक चम्मच। अब इसे बढ़िया चटकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटक गया है जीरा। अब कुछ और ऐड करेंगे, हरी मिर्च कट करके, वो भी बड़ी खड़ी हुई, मुझे ऐसी बहुत पसंद आती है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं ऐड करेंगे, ये बिना मसालों की है, क्योंकि हमारे बहुत लोग ऐसे भी हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिएगा उसमें। तो इसीलिए आप लोगों के साथ दूसरी भी वीडियो लेके आ गई हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे चने, और चने को अच्छे से बढ़िया उलट पलट करेंगे फ्रेंड्स। और ये भी मेरे 2 कटोरी चने हैं छोटी सी, और वो भी 2 कटोरी थे फ्रेंड्स। अब इसे बॉयल तो एक साथ की थी, बट रेसिपी एक के साथ दो दो बता रही हूँ फ्रेंड्स। जो अच्छी लगे आप लोग ले लीजिएगा और बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब बहुत अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब इसी में ऐड करेंगे नमक, साल्ट। अब इसे आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा, फिर कोई कम खाता कोई ज़्यादा। तो हम इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा और कुछ ऐड करने वाली हूँ, क्या फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, जीरा और धनिया है ना फ्रेंड्स। उससे पहले हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, एक तीखा सा टेस्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो पड़ा नहीं है, तब भी लेकिन बहुत टेस्टी ये वाली मेरी घुघनी बनेगी, जो घुघरी है, आप लोग क्या कहते हो, घुघनी या फिर घुघरी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो भाई घुघनी कहती हूँ, घुघरी फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स बन के रेडी है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो लोग अभी तक देखे हैं और अनदेखा कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा और भुनी हुई धनिया, वो भी पिसी हुई, खड़ी नहीं है फ्रेंड्स। अब इससे भी एक प्यारा सा टेस्ट आएगा, टेस्ट तो आएगा ही है, पूरा किचन महकेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भाई भुनी हुई चीज़ जो भुनी जाती है ना, उससे पूरा किचन महकता है फ्रेंड्स। तो मुझे तो बहुत जल्दी से भूख लगी है फ्रेंड्स, रहा नहीं जा रहा, इतना बढ़िया मज़े से खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, क्या बताएं, वाओ नाइस, मुझे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो चली खाने फ्रेंड्स। और आप लोग भी जाइए अपने घर पे, प्यारी सी घुघरी बनाइए अपने घर पे, प्यारी सी फ्रेंड के साथ, प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, प्यार से खिलाइए, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से थैंक यू, अपना कीमती वक्त मुझे दिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, क्या फ्रेंड्स? हम नींबू ऐड करेंगे, नींबू से भी एक प्यारा सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो अगर खाते हो तो ऐड कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, और नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो हम देखिए लेमन को अच्छे से कट कर लेंगे, और 2 भाग में एक नींबू से 2 भाग बनाएंगे फ्रेंड्स, और दोनों हम रख देंगे गार्निश के लिए फ्रेंड्स। देखिए बन के रेडी है ना, तो जो मन करे, जो दिल करे, वह रेसिपी आप लोग बनाइए और खाइए फ्रेंड्स। मेरा तो काम है आप लोगों के साथ प्यारे प्यारे वीडियो बढ़िया शेयर करना, हेल्दी से हेल्दी, मस्त मस्त। तो फ्रेंड्स देखिए बॉयल हो गए हैं अच्छे से, ये देखिए बन के रेडी हैं। आइए फ्रेंड्स, तो सभी लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है, बढ़िया आराम से खाइए आके। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।